नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। क्या आप समाज में सचेत हैं? क्या आप अपनी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखते हैं? क्या आप ठगी के शिकार नहीं होते हो? या क्या आप अपने घरों में सुरक्षित हैं? या क्या आप अपने परिचित से सुरक्षित हैं? या क्या आप अपने सगा संबंधी से सुरक्षित हैं? यह आम जीवन में बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप अपने आप में सुरक्षित हो, आप अपने परिवार के सुरक्षित रख सकते हो, या आप अपने परिवार के सुरक्षा के लिए क्या सोचते हो। इसी सुरक्षा की बात पर मैं आपको और जालसाजी की बात पर मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं। कटिहार जिला के कुरसैला प्रखंड अंतर्गत सेंट्रल बैंक में पदस्थापित बांका जिला के विनय रजक ने जालसाजी कर एक महिला से शादी किया, साथ ही साथ उस महिला से 10 लाख रुपया लेकर फरार हो गए। महीनों फरार होने के बाद जब वो लौट कर आए तो शादी जिस लड़की रितु से किया, उस रजक विनय रजक केसियर ने, तो परिजन काफी बवाल काटने का काम किया और पुलिस अंततः विनय रजक को गिरफ्तार कर हाजत में डाल देती है। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि बांका निवासी विनय रजक, जो पूर्व से भी शादीशुदा हैं, 2 शादियां पूर्व में हुई, वो कटिहार जिला के कुरसैला सेंट्रल बैंक में कैशियर के पद पर पदस्थापित थे। ग्राहकों के आना जाना लगा रहता था, ग्राहकों के खाते की निगरानी वो करते थे। शोभा देवी नाम की विधवा महिला के खाते में काफी रकम थी, वह अपने बेटी रितु के साथ आती थी बैंक में, तो इस रितु पर निगाह विनय रजक का गया और उसने करीब आकर प्रस्ताव रखा कि मैं अनाथ हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं आपके बेटी से शादी करूंगा। इस बात को सुनने के बाद शोभा देवी ने अपने बेटी को समझा बुझाकर विनय के साथ शादी अपने बेटी का कराया और विनय ने कहा कि मैं भी यादव हूँ, चूंकि शोभा देवी यादव जाति से आती है। शादी करा दी गई। शादी के बाद विनय ने सास के खाते से 10 लाख रुपया निकलवाया। निकलवाने के बाद फरार हो गए। फरार रहने के बाद पत्नी ने काफी खोजबीन किया। उसके बाद 1 महीने के बाद वो जब बैंक में आए तो ग्रामीणों सहित उन महिलाओं ने और पत्नी ने घेराव किया। घेराव करने के बाद काफी बवाल मचा। बवाल मचने के बाद जिला परिषद के पार्षद गोपाल यादव ने भी पहल किया और गोपाल यादव पर भी आरोप लगा कि वो शोभा देवी और उसकी बेटी रितु के साथ मारपीट किया और विनय रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर FIR दर्ज किया। ऐसा कहा जा रहा है कि गोपाल यादव पर भी FIR दर्ज कर दी गई है। रितु का कहना है कि इसने 2 शादियां पूर्व में किया हुआ है और बलफ देकर, धोखा देकर, जालसाजी करके रुपया ऐठने के लिए मेरे माँ को झांसा में लेकर मुझसे शादी किया और मेरे जीवन को बर्बाद किया। अब मेरा रुपया वापस होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया चले और इससे सजा मिले ताकि दूसरे महिलाओं के साथ ये फ्रॉड न करे। मैं इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, इसलिए कि जालसाज फ्रॉड है। इसलिए मैंने कहा कि क्या आप जालसाजी के शिकार हुए हो? आप नौकरी के लोभ को देख, नौकरी वाले लड़के को देखकर क्या आप अपने बेटियों की शादी कराने का सोच रहे हैं? अगर आप शादी कराने का सोच रहे हैं तो उस नौकरी वाले लड़के का बढ़िया से तहकीकात करें, खोज खबर लें, क्या है, नहीं है, कहाँ का है, किस जिले का है, किस, क्या शादी हुई है, क्या नहीं हुई है, क्या ये सही है, इस बात का निगरानी करनी बहुत जरूरी है। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, जो मैंने वीडियो दिया था,
सुरक्षा की बात जहाँ तक करी जाती है तो हम सब सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, सारे लोगों पर विश्वास कर लेते, धोखे में पड़ जाते हैं। गुरु शरण सिंह चाय पत्ती व्यवसायी जो कटिहार में चाय पत्ती का कारोबार है, उनके पत्नी को घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और अब तक अपराधी फरार है, जांच जारी है। तो इस बात को समझना होगा कि हमें अपने घरों में भी सुरक्षित रहना होगा, हमें अपने आप के सुरक्षा के लिए तत्पर रहना होगा, हमारे बच्चे हो, पत्नी हो या घर के कोई भी सदस्य हो, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। सुरक्षा के साथ साथ जालसाजों से और ठगी करने वालों से भी बचना होगा। अगर आप नहीं सचेत रहते हो, कहां किस मोड़ पर आपके बच्चे या आप ठगे चले जाओगे, असुरक्षित हो जाओगे, हत्याएं हो जाएगी, लूटे चले जाओगे, भावनात्मक लूट हो जाएगी, इस बात का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, खुद की सुरक्षा खुद करें और लोगों के झांसे में न पड़ें और जालसाजों से बच कर रहें। अपने पराए अगल बगल दूर दराज सारे लोग जालसाज हो सकते हैं, जालसाजों से बचने के लिए चिकनी चुपड़ी बातों में न फंसें। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।